चलिए बड़ी खबर जयपुर से आपको बताएं, जहां डीसीपी ईस्ट राहुल जैन ने आदेश जारी किए हैं कर्फ्यू के, और ये कर्फ्यू लगा है आदर्श नगर में गुरु नानकपुरा राजा पार्क में कर्फ्यू। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डीसीपी ईस्ट राहुल जैन ने जारी किए हैं आदेश। और सत्यनारायण शर्मा हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। सत्यनारायण, क्या कुछ जानकारी आपके पास, कर्फ्यू लगाया गया है? देखिए, कल राजा पार्क इलाके में एक कोरोना पॉजिटिव मिला था, उसके बाद में एहतियात के तौर पर हालांकि सैनिटाइजेशन वहाँ कर दिया गया था, लेकिन आज सुबह तय किया गया कि नहीं, इस पूरे इलाके में कर्फ्यू लगाया जाए, जिससे कि घर घर स्क्रीनिंग हो सके और कोई यहाँ से बाहर न जा सके और ना ही कोई बाहर आ सकेगा। ऐसे में ये आदेश जारी कर दिए, कर्फ्यू के आदेश जारी कर दिए, बैरिकेडिंग करके इस पूरे इलाके को सील कर दिया है। अब मेडिकल की टीमें यहाँ पर घर घर सर्वे करेगी, उनके जांच लेगी, स्क्रीनिंग करेगी, जिससे कि पता चल सके कि जो कल जो पॉजिटिव मिला था उसके संपर्क में कौन कौन आया है। और तो ये रोग किसी के पास नहीं है, इसीलिए कर्फ्यू का आदेश दिए गए हैं। खुशबू, जब कर्फ्यू लगाया है सत्यनारायण, तो जरूरी चीजों को कैसे पहुँचाया जाएगा लोगों के घरों तक, क्या इसकी व्यवस्था की गई है? बिल्कुल, कर्फ्यू लागू हो गया है और कर्फ्यू के लिए जो पुलिस की जीपें हैं वो माइक लगाकर घूम रही है कि आपके इलाके में कर्फ्यू लग गया है। हालांकि राशन सामग्री, दवाइयां और अन्य जो मेडिकल सेवाएं होती है वो जरूरत के आधार पर पुलिस प्रशासन निवास स्थान तक पहुंचाएगा। ये एहतियात बरता गया है, जिसके लिए कहा गया है कि जो भी जरूरी दवाइयां होती है और जीवन रक्षा की दवाइयां होती है, राशन सामग्री होती है, वो वहाँ उनके घरों तक पहुंचाया जाए। बिल्कुल सत्यनारायण, कहीं ना कहीं ये तय है कि जब लॉकडाउन लगाया गया बावजूद उसके अगर स्थितियां नहीं सुधर रही हैं, तो कर्फ्यू लगाकर ही स्थिति को नियंत्रण करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, और जहाँ जहाँ खुशबू जहाँ जहाँ ये पॉजिटिव मिलते जा रहे हैं, वहाँ वहाँ कर्फ्यू लगाने का मकसद यही है कि लोग सीमित दायरे में रहकर सोशल डिस्टेंस में रहे, और लेकिन उसके बाद भी मेडिकल की टीमें आराम से वहाँ पहुंच सके, उनकी सर्वे कर सके, जिससे कि जो कोरोना महामारी का प्रकोप है उसको जो जंग है वो जंग हम जीत सके। और शायद यही कारण जो लगातार राजधानी में एक के बाद एक जब मामले सामने आए थे, तो कर्फ्यू ही एकमात्र साधन बचता है जिससे कि इस पर उपाय जा सके। खुशबू जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सत्यनारायण आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे थे, जहाँ पर आदेश दे दिए गए हैं राजा पार्क में, क्योंकि कल मिला था कोरोना पॉजिटिव, तो अब स्थिति को नियंत्रण करने के लिए कर्फ्यू लगाया गया है और कर्फ्यू लगाकर स्थिति को नियंत्रण करने की कोशिश की जा रही है। आदर्श नगर में गुरु नानकपुरा राजा पार्क में कर्फ्यू। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विकास शर्मा भी न्यूज रूम से जुड़ गए हमारे साथ। विकास, देखिए लॉकडाउन लगाया जा रहा है, स्थितियां काबू में नहीं हो पा रही है, पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद अब कोशिश और कवायद यही है कि चलो कर्फ्यू लगाकर इसे स्थिति को नियंत्रण किया जाए। देखिए खुशबू, आज जो राजा पार्क में कर्फ्यू लगाया गया उसके पीछे की बता दें हम आपको, कल एक पॉजिटिव मरीज मिला है, 36 साल का ये मरीज है, जो कि 4 तारीख को सीके बिरला हॉस्पिटल के अंदर भर्ती हुआ था, और जब वो भर्ती हुआ था तब उसको हाई फीवर की शिकायत थी, और हाई फीवर की शिकायत पर उनका 5 तारीख को सैंपल उठाया गया था। जो सैंपल उठाया गया था वो सैंपल उस वक्त नेगेटिव मिला था, लेकिन कल दोबारा जब परसों रात को जब दोबारा उसकी तबीयत बिगड़ी तो उसके बाद में एक बार फिर से क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए उसका टेस्ट जो है उठाया गया है, और वो टेस्ट कल जो है पॉजिटिव मिला है। उसके बाद जो पूरा इलाका है उसको सील्ड करने की बात सामने आई थी, लेकिन अब कर्फ्यू लगा दिया गया है। हम आपको बता दें राजा पार्क में ये दूसरा केस है, इससे पहले विदेश से आया हुआ एक व्यक्ति था, वो पॉजिटिव आया था, जो कि अब रिकवरी मोड पर आ गया था, उसको नेगेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव की रिपोर्ट आ गई थी, लेकिन अब नया केस जब राजा पार्क में आया तो उसके बाद में पूरे इलाके को सील्ड करना बहुत जरूरी हो गया था, क्योंकि अब राजधानी जयपुर की बात करें तो कुछ इलाके ऐसे हैं जो कि जहां पर कम्युनिटी ट्रांसमिशन का जो खतरा है वो मंडरा रहा है, फिर चाहे वो आदर्श नगर की बात करें, राजा पार्क की बात करें, या फिर पुरानी बस्ती की बात करें, चाहे माणक चौक की बात करें। पहले जो केस आ रहे थे वो सिर्फ रामगंज इलाके से सामने आ रहे थे, लेकिन कल रात को जो लिस्ट आई है, 39 लोगों की जो लिस्ट आई है, उसमें अलग अलग जो इलाके हैं, करीब आधा दर्जन इलाके ऐसे हैं जहां पर नए केस सामने आए थे, जिसमें माणक चौक है, पुरानी बस्ती है, उसके अलावा राजा पार्क है, खोनागोरियान है, ये वो इलाके हैं जहां पर नए केस सामने आए। उसी को देखते हुए अब पुलिस प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। आज जिस तरह से गुरु नानकपुरा के अंदर जो कर्फ्यू लगाया गया उसको इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। जी बिल्कुल विकास, तो कहीं ना कहीं ये माना जाए, देखिए आज लगातार वीसी के दौर चल रहे हैं मुख्यमंत्री के, हमने ये खबर भी दर्शकों को दिखाई, अभी भी वीसी चल रही है, कहीं ना कहीं बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, लेकिन विकास समझना ये होगा जब स्थितियां इस तरह से नियंत्रण से बाहर होंगी उससे पहले ही कर्फ्यू लगाकर चीजों को दुरुस्त कर लिया जाए, शायद यही एक रास्ता रह गया है विकास, क्योंकि चौथे नंबर पर हम आ गए हैं।
खुशबू देखिए इस वक्त सख्ती बहुत जरूरी है। सुबह से आप देख सकते हैं जहां सुबह के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है लगातार वीसी ले रहे हैं, वीसी लेकर के हर जो व्यापारिक वर्ग है उनसे फीडबैक ले रहे हैं लॉकडाउन को लेकर के कि क्या अभी मौजूदा स्थिति है और आगे अगर लॉकडाउन बढ़ता है तो उस स्थिति में क्या किया जाए। लेकिन उसके साथ ही केंद्र की बात करें तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन है, उन्होंने वीसी लेकर के पूरे राजस्थान के हालात जाने हैं। क्योंकि हम आपको बता दें राजस्थान जो है पूरे पूरे देश की बात करें तो चौथे नंबर पे आ गया राजस्थान, जहाँ पे सर्वाधिक पॉजिटिव केस है। और कल कल की बात करें तो दो डेथ भी राजस्थान में हुई है, उसको देखते हुए अब पूरा अलर्ट मोड पे पूरा प्रशासन है। एक तरफ देखा जा रहा है कि जो पॉजिटिव केस आ रहे हैं उनकी स्क्रीनिंग की जाए, उनके कॉन्टैक्ट पर्सन की हिस्ट्री की स्क्रीनिंग की जाए, उनकी ट्रेवल हिस्ट्री है उसको देखा जाए, साथ ही ये देखा जाए कि जो वायरस का जो प्रकोप बढ़ रहा है वो किस कारण से बढ़ रहा है। वहीं दूसरी ओर जो लॉकडाउन है उसको चलते जो इफेक्ट हो रहा है पूरे मार्केट में इफेक्ट हो रहा है उसको भी देखना जरूरी हो गया। दोनों चीज़ों को पैरेलल कर दोनों चीजों को बिल्कुल समानांतर रख करके सरकार लगातार विचार कर रही है, विमर्श कर रही है कि आखिर क्या एक्शन प्लान किया जाए। लेकिन अब जरूरी हो गया है जिस तरह से केस नए नए इलाकों में निकल के सामने आ रहे हैं उसको देखते हुए अब पुलिस की सख्ती बहुत जरूरी हो गई है। इसी को देखते हुए आज राजापार्क गुरु नानकपुरा एरिया जो है वह पूरे इलाके में कर्फ्यू लगाया गया है, जो कि निश्चित तौर पर पुलिस का एक अग्रिम एक्शन कहा जा सकता है कि जिस तरह से कर्फ्यू लगाया गया उसके बाद में आगे इसके इंपैक्ट मिलेंगे। क्योंकि अगर अभी शुरुआत में ही सख्ती दिखा दी जाती है और वहां पर जो आसपास का पूरा इलाका है उसको सील्ड करके ये सैंपल उठाए दिए जाते हैं कि कौन कौन से लोग हैं, कोई आसपास के इलाके में ऐसे कोई लोग हैं क्या जिनको भी सिम्टम्स आ रहे हैं, तो काफी हद तक इसको संक्रमण को फैलने से रोका जा सकता है। जी बिल्कुल विकास, और कहीं ना कहीं देखिए लेकिन एक जिम्मेदारी भी हो जाती है जब आप कर्फ्यू लगा रहे हैं तो आसपास के इलाकों में सामान जो है वो प्रॉपर पहुंचे, लोगों के बीच में घबराहट का माहौल ना हो, क्योंकि कर्फ्यू एक ऐसा शब्द है जिसके बाद लोग थोड़े परेशान हो जाते हैं, ये जवाबदेही भी प्रशासन को तय करनी होगी। देखिए बिल्कुल कर्फ्यू जब लगाया जाता है तो उस इलाके के अंदर खान पान की और जितनी भी खाद्य सामग्री है जो है उसकी जो पहुंचाने की जिम्मेदारी वो प्रशासन की खुद की हो जाती है। और वही स्थिति आप देखते हैं जयपुर शहर में कई इलाके ऐसे हैं जहां पर अभी कर्फ्यू लग रहा है, रामगंज इलाका है पूरा सील्ड किया हुआ है, वहां पर प्रशासन खुद रोजाना पहुंचा रहा है, खाद्य सामग्री पहुंचा रहा है। हालांकि वहां की स्थितियां अलग तरह की, राजापार की स्थितियां अलग तरह की होगी, तो ऐसे में प्रशासन को वहां इतनी मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी खाद्य सामग्री पहुंचाने के लिए। लेकिन जिस तरह से सख्ती दिखाई गई है, तत्काल कर्फ्यू लगाया गया है, वो इसी बात का द्योतक है अब सरकार किसी भी मोड़ पर यह नहीं चाहती कि कोई किसी भी जगह पर जो संक्रमण है वो फैले। इसीलिए जैसे केस सामने आ रहे हैं उसी को देखते हुए उस एरिया पर्टिकुलर एरिया, क्योंकि ये जो ये पैटर्न जो है ये भीलवाड़ा का जो मॉडल है वो मॉडल यही है कि जिस जगह पे केस निकल रहा है उसके आसपास के पूरे सराउंडिंग एरिया को सील्ड पैक कर दिया जाए। और सील्ड पैक करने के लिए जरूरी है कि वहां पे पूरे इलाके में कर्फ्यू लगा करके उसको जोन वाइज डिवाइड किया जाए कि 1 किलोमीटर का दायरा जहां पॉजिटिव केस मिलता है उसका 1 किलोमीटर का दायरा जो है उसको बफर जोन रखा जाता है, उसके अलावा 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर ऐसे करके पूरा एक राउंड बनाया जाता है। उस राउंड के आधार पर ही टीम जो है चिकित्सा की टीमें हैं वो सैंपलिंग करती है और सैंपलिंग करके ही वो आगे की रिपोर्ट करती है कि पहले जो 1 किलोमीटर का दायरा है उसके अंदर कितने लोग सामने आ रहे हैं, उसके बाद में दूसरा जो घेरा है उसमें कितने लोग संदिग्ध मिल रहे हैं। ये तमाम तरह की जो प्रयास है ये भीलवाड़ा मॉडल ही कहला रहा है। भीलवाड़ा का मॉडल जो है उसको काफी हद तक पूरे देश भर के अंदर प्रचलित हुआ, सब लोगों ने उसको सराहा। इसी को देखते हुए अब जैसे केस सामने आ रहा है उस पूरे पॉकेट को जोन बना करके कर्फ्यू में तब्दील किया जा रहा है। जी बिल्कुल, चलिए विकास बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कहीं ना कहीं देखिए जो जानकारी सामने आ रही है वो यही है कि अब कर्फ्यू लगा दिया गया है और शायद देखिए किसी किसी इलाके में कर्फ्यू लगाकर जो स्थिति है उसको नियंत्रण करने की कोशिश की जा रही है।